हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो जीके जीएस की ट्रिक और प्लस में 7 वर्ड वुकैब। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था ना कि वुकैब आपको पर डे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जीके जीएस की ट्रिक आपको मिलेगी, उसी के साथ आपको वुकैब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा था मैंने वैसा किया भी। अब बात आती है कि सर जीके जीएस ट्रिक क्या रोज़ नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं, रोज़ तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वीक में 3 दिन मिलेगा। तो 3 दिन जीके जीएस ट्रिक मिलेगा और 3 दिन आपको क्या मिल जाएगा? वुकैब। और बाकी 3 दिन आपका कंटिन्यू क्या चलेगा? मैथ या रीजनिंग, यही है हमारा सीधा सीधा टाइम टेबल। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पहली ट्रिक है, मतलब पहली क्या, एक जो ट्रिक है उस ट्रिक में हम लोग क्या सीखेंगे? शास्त्रीय नृत्य। किसका शास्त्रीय नृत्य? इंडिया का। इंडिया के शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाता है, बताओ किस प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है, याद करते हैं इधर का उधर, उधर का इधर। तो सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, आज से आपको क्या याद करना है? भारत नाडू गान करना पूरी आदि। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप फैमिलियर हो जा सकते हैं इसको भी। ये देखिए, आप तो 2-3 बार बोलिएगा हमारे साथ, भारत नाडू और गान करना। अच्छे मतलब क्या होता है गान करना? गान मतलब क्या समझ लीजिए, जनगणमन जो जाते हैं उसको गान करते हैं, और पूरी क्या है? आधी है, बस बात खत्म। अब देखिए, भारत का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, और नाडू से तमिल नाडू। ठीक है, गान का यक्षगान, और क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और पूरी का कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी, और क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। आप 2-3 बार जब बोलेंगे भरतनाडू गान करना पूरी आदि, तो जब आपको एग्जाम में आएगा भरतनाट्यम, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा भरतनाडू। किस तरह आएगा? भरतनाडू। तो तुरंत आप क्या लगा देंगे? तमिलनाडु। गान करना, तो अगर ये अच्छे गाना है तो आपके दिमाग में ज्ञान करना, गान करना, तो मतलब तुरंत क्या आ जाएगा? कर्नाटक। और पूरी आदि मतलब कुचिपुड़ी, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और केरल का देख लेते हैं, और भी मेरे पास सारे हैं, बस अर्थ इस वीडियो में इतना ही बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी स्टेट का बता दूंगा। देखिए, कथकली और अट्टम कट्टम जितने भी यहाँ हैं, कुछ अटपटा सा, वो सब किसके होते हैं? केरल के। तो क्या हो जाएगा? कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम और कालीअट्टम, ये सब किसके हैं? केरल। तो आपको कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा भरतनाडु गान करना पूरी आदि। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जितने भी अट्टम हैं सब क्या हो गया? केरल। भरतनाडु तमिलनाडु हो गया, भरतनाट्यम गान करना कर्नाटक यक्षगान हो गया, और कचिपुड़ी क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी ट्रिक। अब बात कर लेते हैं वर्ड, 7 वर्ड वुकैब सेशन की। देखिए, बहुत अच्छे वर्ड हैं, इसको इग्नोर मत करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आपको मैंने बताया ना, एग्जाम पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए। ये सब बहुत फैमिलियर वर्ड हैं, कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो जब नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आप इन सब चीजों को जानते रहिए। देखिए, बिल जमा करना, बिल जमा करना को इंग्लिश में आप कहेंगे सर पे द बिल, तो पे द बिल एकदम सही है। बहरहाल, एक वर्ड और जानिए, क्या कहते हैं? फुट द बिल। क्या कहेंगे? फुट द बिल। बिल जमा करना को फुट द बिल, FOOT, फुट द BILL, बिल। दूसरा, ये इसमें बहुत ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, एग्जाम देना को सब कहते हैं आई विल गिव एग्जाम। जी नहीं, गिव एग्जाम नहीं होता, क्या होता है? टेक एग्जाम। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, एग्जाम देना को क्या बोलते हैं? टेक द एग्जाम, ना कि गिव द एग्जाम। अच्छे से आप जाने रहिएगा। और देखिए, किसी चीज का दिखावा करना, जो कि आजकल बहुत हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? फ्लॉन्ट समथिंग। ये क्या लिखा है? समथिंग, इसका मतलब क्या है? सम, देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, समथिंग, ठीक है ना, STH का मतलब समथिंग होता है, शॉर्ट में लिखा हूं। तो किसी चीज का दिखावा, ही इज फ्लॉन्टिंग समथिंग, वह किसी चीज का दिखावा कर रहा है। तो FLAUNT, फ्लॉन्ट और समथिंग। ठीक है, ठंड से कांपना, मतलब मान लीजिए ठंडी आ रही है, तो आपको कहना है माई फ्रेंड, मतलब मेरा जो दोस्त है वो ठंड से कांप रहा है, माई फ्रेंड इज सीवरिंग विथ कोल्ड। क्या बोलेंगे? ठंड से कांपना का सीवर विथ कोल्ड, SHIVER, सीवर विथ कोल्ड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फुहार पड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिजल, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, मतलब बाहर फुहार पड़ रही है, DRIZZLE। ठीक है, अच्छा, बूंदे गिरना को क्या बोलेंगे? स्प्रिंकल, क्या बोलेंगे? स्प्रिंकल, SPRINKLE,
KLE क्या हो जाएगा, स्प्रिंकल, बूंदे गिनना को स्प्रिंकल। अच्छा, गरारे करना, जब गले में खराश वगैरह हो जाता पानी डाल के आप लोग गरारे करते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्गल्स। क्या बोलते हैं, गार्गल्स, डू गार्गल्स। मतलब जब आपको जुकाम वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, आप गरारे कर लीजिए नमक पानी का, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, डू गार्गल्स, GARGLES। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा वीडियो, छोटा था, और आप ये नहीं कि आप केवल ट्रिक देख लीजिए, ये मत देखिए, ये भी देखने में क्या जाता है, मुश्किल से 5 से 8 मिनट की वीडियो रहती है और इतने अच्छे अच्छे वर्ड आपको मिल रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो देखा करिए और लास्ट तक कमेंट भी जरा जरूर किया करिए। उससे क्या होता है, पहली बात तो ये फायदा होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, हाँ, कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे लोगों को द्वारा पसंद किया जा रहा। और दूसरी बात ये होगी, अगर आप इस वर्ड को कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, एट ए टाइम आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो कहीं तो आप लिख रहे हैं, तो आपको क्या होगा, एक तरफ से लिख के भी याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, बाकी कल भी मैं हम लोग मिलेंगे GKGS की एक न्यू ट्रिक और एक साथ न्यू वोकैब के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही था, थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल।